नमस्कार। इस वक्त एक ऐसी घटना निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर पबजी खेलने से मना करने पर अपनी ही मां को गोली मारकर हत्या कर दी एक नाबालिग लड़की ने। बता दी, घटना घटने के बाद दो दिन तक अपनी ही मां की बॉडी के साथ वो घर में रहा और जब रूम से बदबू आने लगी तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करने लगा। बॉडी जैसे जैसे गलने लगी तो आसपास के इलाकों में बदबू फैलने लगी, जिसके बाद पड़ोसियों ने जो है पुलिस को बुलाया और जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो कई चीज़ें लड़के ने कहानी के तौर पर बताई। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि इसकी कहानी में कहीं ना कहीं लूप होल था, जिसकी वजह से शक की सुई लड़के पर गई और फिर उसके बाद जब कड़ी पूछताछ की गई तो बताया चला कि पिताजी के रिवॉल्वर ही जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो घर में थी और माता ने अचानक जो है इसे पबजी खेलने से मना किया, जिसके बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और सडनली इसने अपनी मां पर गोली मार दी। अपनी एक मासूम बहन को भी 10 साल की, जिसे मार धमका कर उसने कमरे में बंद कर रखा था। तो पबजी के नशे में इस प्रकार की घटना एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।